गौ माता की जय हो। आवाज नहीं आई, पूरे देश भर से गौ संसद बैठे हैं। आवाज इतनी आनी चाहिए कि लखनऊ तक जो लोग बैठे हैं ना, उनको आवाज आए, गौ माता की जय हो। परम पूजनीय जगत गुरु भगवान स्वरूप और मुक्तानंद जी महाराज, शंकराचार्य महाराज जी और मंच पर सभी देश से हमारे सनातन पुरातन की पहचान पूज्य संत महाराज और वो संत जो पूरे देश में गौ माता का काम करते हैं। हमारा शंकराचार्य महाराज जी हमारी संस्कृति का विभिन्न विभिन्न विषयों के ऊपर काम करते हैं, पर सबसे ज्यादा काम गौ माता के विषय के ऊपर जो गौ संसद बुलाई है उसमें सारे देश भर से लोग आए हैं। मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं एक साधारण परिवार से, नाम है कीमती भगत, और हमें इस काम के लिए प्रेरणा दी हमारे सतीश जी जो पटियाला से हैं, गौ रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जितना उन्होंने काम किया मेरे ख्याल किसी को ना पता हो, गौ भगत को यह हो नहीं सकता। पूरे देश में हमने उनकी प्रेरणा से काम शुरू किया आज से 30 साल पहले। मैं एक बात आज ये बताना चाहता हूं, हमारे सारे पूज्य शंकराचार्य महाराज जी, पूरे संत समाज, हम कहते हैं गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दीजिए। मैं चाहता हूं कि विषय जो 2-3 है, एक तो गौ माता के सम्मान के लिए लड़ाई तो हमने लड़नी है, पर हम जितने लोग यहां बैठे हैं ये कोई ये ना समझे कि हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। मैं बिल्कुल एक साधारण परिवार से, कोई इतने सोर्स नहीं थे, हमने गौ माता का काम शुरू किया। हमने सोचा कि ये काम होगा कैसे जिसमें सबकी भागीदारी हो। हमने सबसे पहले शुरू किया कि पंजाब की जितनी गौशाला उसका बिजली और पानी उसका सरकार फ्री दे। आज 100 करोड़ रुपए की बिजली और पानी आप सबके सहयोग से, संघर्ष की वजह से सरकार फ्री दे रही है। हमने दूसरा सोचा कि गौशाला में आने वाला जो भी सामान है वो वैट जीएसटी रिफंड पॉलिसी में आना चाहिए। तो ये दान दिया हुआ है उसका जो रिफंड है वो गौशाला को मिले, वो भी दूसरा कानून पास किया। तीसरा कानून पास किया कि जो गौ हत्या 15-10-1955 को कानून बना, 1 साल का पंजाब में हमने 10 साल का कानून संघर्ष करके वो बनवाया। 5वां कानून बनाया कि कोई भी गौशाला उसकी रजिस्ट्री कराते समय उसकी स्टैंप ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। 6वां कानून पास कराया कि पंजाब की सड़कों के ऊपर 1,10,000 के करीब लवारस बेसहारा गौ दाना है। हम गौ को मां मानते हैं, लोग कहते हैं आपकी मां कूड़े के ढेर पर कूड़े खा रही है। हमने उसके लिए योजना बनाई, ये हम मंत्री चेयरमैन बनने से पहले की बातें हैं। हमने संघर्ष किया, आम लोगों को लामबंद करके साथ लेके ऑफिसरों को समझाने का प्रयास किया। 25-25 एकड़ जमीन हर जगह में ली सरकारी सतह के ऊपर, 50 करोड़ रुपया, 2-2 करोड़ रुपया दिया सभी गौशाला को उसको बनवाने का काम किया। 35,000 गौ माता उसका अंदर सेवा संभाल के लिए ले गए। गौशाला का हाउस टैक्स, गौशाला का और भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे छोटे छोटे प्रयास हमें संघर्ष करके, अपने हलके का कोई एमएलए हो, कोई एमपी हो, उसको हम बतलाएं कि ये जो गौ भगत है, लोगों की आस्था का केंद्र है गौ माता, अगर इसके ऊपर आप काम करोगे तो आपको वोट भी मिलेगी और गौ माता का आशीर्वाद भी मिलेगा। उसके बाद सरकार ने हमें 2 बार गौ सेवा योग का
चेयरमैन मिनिस्टर लेवल का वो लगाया, बहुत प्रयास किया, बहुत काम किया, पूरा देश घूमे हैं, पूरी दुनिया में गए हैं गौ माता के लिए। मैं ये चाहता हूं कि आज एक आस की किरण देखी हमने, हमने आज देखा कि हमारे पहले से भी जो संत माता आम लोग हैं वो गौ माता के लिए संघर्ष करते हैं, और आज हमारे बीच हमारे शंकराचार्य महाराज जी, उन्होंने ये कमान संभाली है। ये मंच किसे पार्टी का नहीं है, ना ये भाजपा का है, ना ये कांग्रेस का है, ना ये आम आदमी पार्टी का, पर सभी पार्टियों का मंच है, सभी पार्टियों के लोग आ सकते हैं। जो गौ माता की बात करेगा हम उसका सम्मान करेंगे, जो गौ माता को काटने वाली बात करेगा हम उसका बहिष्कार करेंगे। हम अपने आप में इतना मजबूत हो कि हम अपना किसी भी सतर के ऊपर संघर्ष कर सके। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। गौ माता बच सकती है, हम बचाने वाले संघर्ष की राह पर चल पड़े। मैं आज बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने बड़े संत महाराज और परम पूज्य शंकराचार्य महाराज जी का आशीर्वाद मिला, आप सबका स्नेह प्यार मिला। हम आपके सहयोग से गौ माता का काम करते रहेंगे, जितनी देर अपने जीवन के अंदर श्वास है, सांस है, उतनी देर गौ माता का काम करेंगे। और गौ माता का काम करने वाले को कोई चीज ऐसी नहीं है जो ना मिले, मान मिलता है, सम्मान मिलता, हर चीज मिलती है। अगर एक साधारण परिवार लगता है, मैं बताना चाहता हूँ, इसमें जाति धर्म नहीं आना चाहिए। मैं अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध रखता हूँ, मैं अनुसूचित जाति वर्ग पिछड़ा वर्ग से संबंध रखता हूँ, और मेरा 40 साल से मेरे पिताजी गौ माता का काम करते थे, मैं भी कर रहा हूँ। सब लोगों को प्रेरणा दीजिए, महाराज जी के आशीर्वाद से हम एक दिन इसके ऊपर कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के ऊपर आपका धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल, जय नंदलाल।